मल्टीपल रिविजन सेशन लेंगे जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे. टुडे विल स्टार्ट विद रिविजन लेक्चर नंबर 1 एंड टुडे आई इंटेंड टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा वो धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा. सो अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले हम लोग लर्न करेंगे अकाउंटिंग क्या होता है. अकाउंटिंग के साथ लर्न करेंगे थोड़े डेफिनेशंस. फिर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं चीज़ें. तो उसके बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स के बाद कैश बुक, कैश बुक के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद फाइनल अकाउंट्स. बहुत कुछ है बट विल टेक इट स्लो एंड स्टेडीली. कैन वी स्टार्ट? एंड एज आई टोल्ड यू नो राइटिंग एनीथिंग. PDF इज रेडी. इफ यू वॉन्ट आई सेंड इट टू यू. फर्स्ट वन आज पहले चैप्टर से चालू कर रहे हैं. सो आई डिवाइडेड देम इनटू वेरियस चैप्टर्स. व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग विद? अब अकाउंटिंग चालू किसने किया था? जस्ट रिमेंबर वन नेम. सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन एग्जामिनेशन बट अ पर्सन नोन एज ल्यूका पैकोली. ल्यूका पैकोली वे बैक इन द ईयर 1494. कौन था? ही वॉज अ मैथमेटिशियन. फर्स्ट टाइम अपने मैथ्स की बुक पब्लिश कर रहे थे. कौन सी बुक? अब उनको पता नहीं था कि वो मैथ्स बनाते बनाते एक और एक नया सब्जेक्ट बना देंगे जिस सब्जेक्ट का नाम हम लोग ने रख दिया अकाउंट्स. मैथ्स के बुक में उन्होंने दो वर्ड्स यूज़ किए थे. द फर्स्ट वर्ड वॉज नोन एज डेबिशियम एंड द सेकेंड वर्ड वॉज नोन एज क्रेडिशियम. हम लोग को वो दो वर्ड से प्यार हो गया तो हमने उसको बना दिया डेबिट एंड क्रेडिट. देखो वैसे ही हिस्ट्री ऐसी है ना कि पहले के जब भी नाम होते थे बड़े बड़े नाम होते थे. फिर अभी हम लोग ना पेट नेम निकालने लगे छोटे छोटे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट एन एग्जाम्पल माई डैड्स नेम इज़ जमुना दास. इतना बड़ा नाम. माई अंकल्स नेम इज़ हरकिशन दास. अभी हमारे वर्ड कैसे होने लगे? स्मॉलर. राहुल, लीना, टीना. मेरे को लगता है धीरे धीरे और आगे जाएंगे तो हम लोग उसका ए बी सी कर देंगे. सो दिस इज हाउ इट इज इवॉल्व. सो इनिशियली दोज टू वर्ड्स वे नोन एज डेबिशियम एंड क्रेडिशियम. नाउ हाउ वी केम टू दोज टू वर्ड्स डेबिशियम एंड क्रेडिशियम? सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मैथमेटिशियन ही वॉज अ ट्रेडर ऑल्सो. तो वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे. शिप्स में घूमते थे. एक पोर्ट में जाते थे चीज़ों को बाई करते थे और दूसरे पोर्ट पर जाके वही चीज़ों को बेच देते थे. तो वॉट ही ऑब्जर्व वाइल डूइंग दिस बिजनेस दैट एवरीवेयर देर इज समथिंग दैट ही इज गिविंग एंड देर इज समथिंग दैट ही इज रिसीविंग. सो ही इज टोल्ड दैट वन आई एम रिसीविंग इज डेबिशियम एंड वन आई एम गिविंग इज क्रेडिशियम. तो फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू वन पोर्ट. उन्होंने वहां पर गुड्स खरीदे तो गुड्स खरीदने के लिए उनको देना पड़ा पैसा. तो वॉट ही रिसीव? गुड्स. वॉट ही गेव? कैश. तो गुड्स आ गए. अब गुड्स उनको कहाँ लेके जाने थे? शिप में, कोई दूसरे पोर्ट पे. अब शिप में गुड्स चढ़ाने तो है ना. तो ही कॉल्ड सम पीपल टू लोड द गुड्स इनटू द शिप. तो दोज पीपल लोडेड द गुड्स इनटू द शिप एंड ही पेड देम वेजेस. तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है? बेनिफिट ऑफ लोडिंग. और हम दे क्या रहे? कैश. सो ही सेड एवरीवेयर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना दोनों चीज़ है. इट्स वन इज गिव एंड वन इज टेक. सो वन आई एम रिसीविंग इज नोन एज डेबिशियम एंड वन आई एम गिविंग इज नोन एज वॉट? क्रेडिशियम. हमने उसके छोटे वर्ड्स बना के क्या बोल दिया? डेबिट एंड क्रेडिट. क्लियर? सो वो क्वेश्चन नंबर वन. हु इन्वेंटेड अकाउंटिंग? इन विच ईयर? एब्सोल्यूटली क्लियर. नाउ वॉट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने 6 steps बट आई वुड रादर टेल यू इट इज 7 steps. सो यहाँ पे ये लोग स्टार्ट करें क्लास फ्रॉम रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेटिंग. बट इसके पहले एक चीज़ आ जाती है दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन. सो आई टेल यू अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट. एंड दिस 7 things आर ऑल्सो नोन एज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. सो यू कैन हैव वन सिंपल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? सो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग. सो आइडेंटिफाई मीन्स क्या? कि सर क्या रिकॉर्ड करें? अब सब कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है.
अब फॉर एग्जाम्पल आज सुबह मैं क्लास में आ रहा था तो आई केम बाई ट्रेन मेट्रो सो आई पेड 20 rupees. शुड आई रिकॉर्ड? येस. बट वाइल कैचिंग द ट्रेन एंड कमिंग बाई द ट्रेन बोर हो रहा था तो ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहा था. शुड आई रिकॉर्ड? नो. तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड नहीं करना है. सो दैट इज आइडेंटिफाइंग. वंस यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू? रिकॉर्ड. रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे? मतलब एग्जैक्टली कौन से बुक में जाना चाहिए? सी, अगर स्कूल याद हो तुम लोग को तो वी हैड समथिंग विच इज नोन एज साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. डू यू अग्री विद दैट वन? तो अगर हम हिस्ट्री करें तो हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड करो, मैथ्स कर रहे तो मैथ्स बुक में रिकॉर्ड करो. डू यू अग्री विद दैट? दैट इज क्लासिफाइंग. मैं ना अपने स्कूल से ही थोड़ा क्रैक हो गया था तो 10th स्टैंडर्ड से चालू हो गए ये सब नाटक. फैशन शो दिखाना पड़ता ना, हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो मैंने एक ही बुक बनाया था, रफ बुक, मस्त था उसके अंदर सब कुछ. अब एक बार किसी ने पकड़ लिया, बोलते मैथ्स किधर है, मतलब रुको ये रहा. फिर बोलती है साइंस किधर, मतलब रुको ये रहा. अब एक ही बुक में सब भर देंगे तो विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो वी नीड टू क्लासीफाई देम प्रॉपरली. सो रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है? उसे क्लासीफाई. क्लासीफाई करने के बाद क्या करना है? अब जब मैथ्स चल रहा है तो दे विल मेक अस रिकॉर्ड सो मेनी थिंग्स. येस और नो? अब एग्जामिनेशन आएगा तो आज एक पेपर, कल एक पेपर, बरोबर ना? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि सर एक दिन में पूरा कैसे रिवाइज करें? इट्स नॉट पॉसिबल कि एक दिन में हम लोग पूरे साल की चीजें रिवाइज कर ले. तो व्हाट वी डू, अगर आपको पता हो, व्हाट वी डू इज वी मेक सम स्मॉल नोट्स एंड दैट इज बेसिकली रिफर टू ए समरी. तो समराइज करना बहुत जरूरी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इट स्टार्ट्स विद व्हाट? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई के बाद, रिकॉर्ड के बाद, क्लासीफाई के बाद. अब समराइज हो गया भाई, एग्जाम में एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट का क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस. अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एनालिसिस करने के बाद क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट. सो सर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या है? दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस, वेरी माइनर डिफरेंस. सो एनालिसिस इज, कितना आया तेरे को मैथ्स में? सर आई गॉट 40 out of 50. इज इट गुड और बैड? सर इट इज गुड. ओके, दिस इज एनालिसिस. इंटरप्रिटेशन, नहीं थोड़ा और अच्छा हो सकता था, चलो अब नेक्स्ट ये करेंगे. सो दैट इज बेसिकली रिफर टू एज वॉट? इंटरप्रिटेशन. सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पीपल से टुगेदर, वी से टुगेदर, थोड़ा डिफरेंस, दैट्स ओके. यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. सो आफ्टर द एनालिसिस, आफ्टर द इंटरप्रिटेशन, द फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज विल हैव टू कम्युनिकेट. यार रिजल्ट आएगा तो मॉम डैड को बताना पड़ेगा कि नहीं है कि नहीं? वो स्कूल वाले बोलते थे कि नहीं इधर साइन लेने का पापा का, फिर हम ही करते थे. हाँ ना, कि पापा करते थे. पापा तभी करेंगे जब अच्छा होगा, वो तो आया ही नहीं कभी लाइफ में. डू यू अग्री विद दैट वन? सो डू यू रिमेंबर ऑल 7 functions ऑफ अकाउंटिंग वेरी वेल? अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद व्हाट? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन. एंड कम्युनिकेट करना है द रिजल्ट्स thereof टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन किसको देना है? फॉर ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स. जकास साहब, कैन वी गो अहेड? चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट नाउ? सो अकाउंटिंग, ये 7 स्टेप को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटा कर दिया अभी. फर्स्ट वन इज जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज, सो जनरेटिंग इन्फो, इन्फो बनाते हैं पहले. आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, वहां तक वी आर जनरेटिंग इन्फो एंड देन वी आर यूजिंग इन्फो. सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज इन्फो? एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट. क्लासिक. अच्छा, अब ये जनरेटिंग इन्फो जो है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज बुक कीपिंग, इज ऑल्सो नोन एज बुक कीपिंग. एंड जनरेटिंग इन्फो एंड यूजिंग इन्फो दोनों साथ में मिला दो ना तो क्या बन जाएगा? ये अकाउंटिंग. आर यू क्लियर? जल्दी, 10-15 मिनट बोला था, आधा घंटा घूमने को नहीं बोला था. हाँ वही ना, मैं वही लगता है, एक गली में एक खाया, दूसरे गली में दूसरा खाया. अब मैं चालू करूँ? हाँ, मैं तो चालू ही था.
मतलब पढ़ाना चालू था, ठीक है, या ऐसे वीडियो में बोलेंगे आप तो चालू ही थे ना। अच्छा, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है लोगों का, लोगों को लगता है बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स, आंसर रॉन्ग है। बुक कीपिंग इज छोटा, अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाता है, ऑल सेवन स्टेप्स टूगेदर आर नोन एज अकाउंटिंग, बट फर्स्ट फोर स्टेप्स आर ऑल्सो नोन एज, सो मिस इंटरप्रेट नहीं करना कि पहले चार स्टेप बुक कीपिंग और फिर तीन स्टेप अकाउंटिंग, ऐसे नहीं, पूरे सात स्टेप, पर अगर पहले चार स्टेप की बात करो तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुक कीपिंग इन्वॉल्व अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग इन्वॉल्व बुक कीपिंग, यस, क्लियर। वन मोर टाइप वन क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, पहला चकास है, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, एक नेक्स्ट चैप्टर ही लेने वाला हूँ कि बुक कीपिंग क्या है, वहाँ से चालू करेंगे डेफिनेशन, सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस ऑफ एंड नाउ आई एम सेइंग व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड आई हैव डन दिस अकाउंटिंग, डू यू अग्री विद दैट। अब मैंने कहा था अकाउंटिंग के दो पार्ट, जनरेटिंग इन्फो एंड, जनरेटिंग इन्फो में क्या आएगा, सेकेंड रिकॉर्डिंग के बाद, क्लासीफाइंग के बाद, यूजिंग इन्फो में क्या आएगा, थोड़े कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सो इनपुट में आइडेंटिफाइंग, प्रोसेस में रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज, आउटपुट में थोड़ा समराइज आ जाता है फिर से, एनालाइज इंटरप्रेट कम्युनिकेट, डू यू अग्री विद दैट वन, खाली अलग अलग लेवल्स को अलग अलग लैंग्वेज में डालने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है, कैन आई गो अहेड। अब यहाँ पे तुम लोग अकाउंटिंग साइकिल पे देखो, कैन यू सी दिस फोर स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल, बेसिकली दैट इज रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले जहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे, द वर्ड इज नोन एज जर्नल, कुछ सुना है इससे पहले, व्हाट इज जर्नल, फर्स्ट बुक जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करना चालू करेंगे, जर्नल के बाद कहाँ जाएंगे, लेजर के बाद कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बना लेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है, अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस प्रोसेसेस, डू यू अग्री विद दैट। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर वन, वही घिसा पिटा क्वेश्चन चल रहा है बट फटाफट आंसर देना, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड वन, एनी डाउट्स ऑन दैट, Distinguish between bookkeeping and accounting. It's a process concerned with recording. It's a process which is concerned with bookkeeping का main काम है record करना, but accounting का main काम है summary बनाना. Second, it constitutes base of accounting and second, it constitutes language of business. Bookkeeping is not a language of business. What is a language of business? Accounting is a language of business. Language आता है पर अगर हम बात ही नहीं कर पाए तो language कहाँ से होगा? Bookkeeping खाली record करने में भरोसा करता है but analyze, interpret, communicate कौन करता है? Accounting. Third, financial statements do not form the part of. What do you mean by financial statements? Trading account, profit and loss account, balance sheet. ये bookkeeping का part नहीं है, ये किसका part है? अकाउंटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट वन, मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ, बट मैनेजरियल डिसीजंस कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ, सो डिसीजंस लेना है तो बुककीपिंग की जरूरत पड़ेगी कि अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी? फाइनल अकाउंट्स कहां बनते हैं? बुककीपिंग में तो खाली रिकॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वन, देर आर नो सब फील्ड्स ऑफ, बट देर आर सेवरल सब फील्ड्स ऑफ बुक कीपिंग के, कोई मेजर सब फील्ड नहीं है कि ये बुक कीपिंग वो बुक कीपिंग वो बुक कीपिंग नहीं, बट अकाउंट्स के मेजर सब फील्ड्स है। लास्ट वन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू, बट फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने स्टेटमेंट्स आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने स्टेटमेंट्स आते हैं? तीन, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड,
तो मैं बोल दूंगा चलो मैं अपना क्वेश्चन रेक्टिफाई कर देता हूँ. आई विल से फाइनल अकाउंट्स में कितने अकाउंट्स बनाने पड़े या कितनी चीज़ें बनानी पड़ती है, ठीक है ना. ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे मिलेगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिलेगा. फाइनेंशियल पोजिशन किससे मिलेगा? बैलेंस शीट से. तो माई क्वेश्चन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बुक कीपिंग में मिलेगा कि अकाउंटिंग में मिलेगा? अकाउंटिंग. फाइनेंशियल पोजिशन बुक कीपिंग में मिलेगा कि अकाउंटिंग में मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक कीपिंग में बनेंगे कि अकाउंटिंग में बनेंगे? वो मेरे को याद आ रहा है 12th स्टैंडर्ड में OCSP नाम के सब्जेक्ट होते थे. लिखने का तरीका आप पता है कैसे लिखने का? OCSP का आंसर, एडवांटेजेस, फीचर्स, डिसएडवांटेजेस, है ना, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैसे लिखते थे? फेंकने का होता है, कुछ भी लिखते थे. OC and SP आर नथिंग बट फेकोलॉजी. और सबसे मेन पार्ट क्या होता है, मतलब पॉइंट्स बढ़ाने का. वो फर्स्ट पॉइंट लिखने का, उसका ही वर्ड उल्टा करने का, लास्ट पॉइंट लिखने का. नाउ लिसन टू मी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पार्ट है? अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के पार्ट हुए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसका पार्ट है? फाइनेंशियल पोजिशन किसका पार्ट है? पर अपने को तीन पॉइंट बनाने का, उनको बोलने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग में बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट द पार्ट. फिर बोलेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अकाउंटिंग, बुक कीपिंग नो. फाइनेंशियल पोजिशन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग नो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस, पोजिशन, वो सब सेम ही हुआ है ना, बट अपने को तीन पॉइंट मिल गए. क्लियर है, पक्का? चलो उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट्स करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर क्यों रहे अकाउंट्स? पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. सेकंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन. नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. एंड लास्ट वन, अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ जाता है, फाइनेंशियल पोजिशन आ जाता है, रिकॉर्डिंग आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, एंड लास्ट वन इज इन्फॉर्मेशन आ जाता है. ठीक है, चलो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट. अकाउंट्स के सब फील्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? बुक कीपिंग के सब फील्ड्स हैं. डज बुक कीपिंग इन्वॉल्व अकाउंटिंग? डज अकाउंटिंग इन्वॉल्व बुक कीपिंग? अकाउंटिंग के पार्ट, पहला अकाउंट्स फाइनेंशियल, सेकेंड वन मैनेजमेंट, थर्ड, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन. प्रैक्टिकली स्पीकिंग खाली ये पांच पार्ट नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं. अभी क्लियर? और ये जो आप डेबिट क्रेडिट बोलते हो ना, वो तो सिर्फ एक ही अकाउंट्स है, और वो अकाउंट्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट आता है, बस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई डेबिट क्रेडिट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या पता है तुम लोग को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, बताओ फिर से एक बार. पोजिशन, परफॉर्मेंस कहां से मिलेगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल से क्या मिलेगा? पोजिशन कहां से मिलेगा? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, पीएनएल अकाउंट बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का, एंड बैलेंस शीट मस्ट टैली, और टैली हो जाए तो भांगड़ा करने का. यही पूछते हो ना एग्जाम के बाद, तेरा टैली हुआ कि नहीं? अगर वो हाँ बोल दे तो अपने को तो खतरनाक जलन होने लगे. टैली पक्का नहीं, रॉन्ग होए करे, बिकॉज अपना तो टैली कभी, तो उसका कैसे हो गया यार? यस और नो, किसका पार्ट है ये सब कुछ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जस्ट इमेजिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है. वहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया होगा, एक पीएनएल अकाउंट दिया होगा, और एक बैलेंस शीट दिया होगा जो ऑलरेडी टैलीड होगा. ये क्वेश्चन है, तो सर आंसर में क्या करना है? आंसर में अभी ये करना है कि हमें ये देखना है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ रहा है, इसे इम्प्रूव कैसे करें. पीएनएल अकाउंट देखना है, वहाँ पे देखना है कि एक्सपेंसेस है तो कंट्रोल कैसे करें, कौन से एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एंड बैलेंस शीट है तो असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, एवरीथिंग इज राइट और रॉन्ग? यस और नो? अब फॉर एग्जाम्पल IPL देखते हो आजकल, बहुत एकदम हॉट चल रहा है ना? अरे यार, पर वो तो पहले ही क्वालिफाई हो गई थी, नहीं था. हां,
क्या करना चाहिए था? कौन? क्यों? पर कौन? आरसीबी। तो गुजरात को क्या लेना देना उससे? तो अगर कल आरसीबी जीत गई तो वो क्वालिफाई हो जाती, पर मुंबई भी क्वालिफाई हो गई क्योंकि आरसीबी हारी। उसमें गुजरात का क्या लेना देना, मैं वो पूछ रहा हूँ तेरे को। तो उन्हें को जिताना चाहिए था ना काइक को। पर अरे सर बैठ के सब हाँ अच्छा नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज कि कल गुजरात जीत गई, बरोबर है? अब गुजरात जीत गई तो डज इट मीन दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन गुजरात का टीम इज ऑल राइट? देर कैन बी सम प्रॉब्लम्स, देर कैन बी सम गुड थिंग्स, देर कैन बी सम, इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझा? अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद कौन सा अकाउंटिंग आ रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करने के पहले जो अकाउंटिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बिजनेस करना है, बट बिजनेस करने के पहले ये सोचना पड़ेगा ना कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या करे क्या बिजनेस नहीं करे। डू यू अग्री विद दैट? टुडे कल ही मैं देख रहा था, यू नो हाउ बिजनेसेस आर इवॉल्विंग। तो कल मॉल में गया था मैं, इन ऑर्बिट, वहाँ पे वो क्या कुकीज बेचते, उसका शॉप का नाम क्या है, कुकी मैन समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, दे सेल कुकीज, वो मॉल में बहुत फेमस है। कल जाके देखा तो ये लोग ने आइसक्रीम बेचना भी चालू कर दिया, फिर देखा तो इन्होंने डोनट्स बेचना भी चालू कर दिया। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर बिजनेस। अच्छा, ये अपना मैकडोनल्ड्स क्या बेचते थे पहले ये लोग? अभी भी बेचते हैं, बट हैव यू सीन नाउ दे हैव स्टार्टेड हैविंग अनदर सेपरेट डिवीजन नोन एज कॉफी डिवीजन, मैक कैफे करके। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर बिजनेस। तो ये लोग कॉस्टिंग करते, देखो इनका कोई खर्चा एक्स्ट्रा तो हो ही नहीं रहा है। पहले भी मैकडोनल्ड्स था, अभी भी उतना ही मैकडोनल्ड्स है, बट छोटा सा जगह किसके लिए बना दिया? कॉफ़ी के लिए। पहले सिर्फ बर्गर बिक रहे थे, अब कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं आ रही है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, लोग भी उतनी इन्वॉल्व है, प्लस प्रोडक्ट बढ़ गए। बर्गर के साथ क्या बेचने लगे? कॉफ़ी। ये कॉस्टिंग का पार्ट है, ये सब एनालाइज करना कि हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बिजनेसेस कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं तो कुछ अच्छा करो सोसाइटी के लिए। यस और नो? अभी आईपीएल वाईपीएल देख रहे, कितना खुश होते हैं, कितने इन्वॉल्व हो गए। कल गुजरात जीत गया, ये हार गया, ये जीत गया, वो हार गया, भाई अपना क्या? नहीं सर, अपने को मजा है ना। अरे मजा है तो क्या, पैसा दिया उन लोग ने, प्लस एक तो जो ग्राउंड में जाते हैं उनका टिकट का पैसा मिलता है उन लोग को, दे अर्न सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। हाँ बस बस बस, यस और नो? अच्छा, किसका है मुंबई टीम, किसका है? अंबानीस। तो दे आर अर्निंग सो मच ऑफ मनी आउट ऑफ द सिस्टम, कैन आई से दे शुड डू समथिंग फॉर पीपल? इसको क्या कहते हैं हम लोग? तुम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे लॉ, लॉ में देयर इज एन एक्ट विच इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। सो देर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट दैट एवरी कंपनी शुड स्पेंड ऑन CSR। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग दैट बिकॉज अपने अकाउंट्स में अपने को वो नहीं पढ़ना है, बट है। गॉट दिस? एंड लास्ट कौन सा अकाउंटिंग? कंपनी का सबसे बड़ा असेट कौन सा है? पर वो तो बैलेंस शीट में कभी दिखता ही नहीं है। तो कंपनी को ट्राई करना चाहिए कि अपना ह्यूमन रिसोर्स बिल्ट हो, डेवलप हो, आगे की चीज़ें हो, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो हाउ मेनी सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग यू शुड रिमेंबर? फाइव सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला कौन सा? सेकेंड कौन सा? थर्ड? नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन? Users of accounting. Who is going to use the accounting? There are two set of people who will use accounts. First one is known as internal users and second one is known as internal users. Mein aa jayega board of directors, partners, managers, officers jo company ke andar kaam kar rahe hain. Second, outer people aa jayenge, investors, lenders, suppliers, government agency, and last one is known as customers. Are we clear? Any doubts of that? Four questions from this chapter before I close this chapter. One, how many functions of accounting? One, record, classify, summarize. Is bookkeeping a part of accounting?
Is accounting the part of bookkeeping? No. Bookkeeping will involve identifying, recording, classifying, summarizing. Accounting will involve? गलत हो गया. Identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating. Next one. What are objectives of accounting? First one. Present financial performance. Present financial position. Decision making. Information generating. Proper recording. These are all objectives. Solvency position. These are all objectives of accounting. Accounting ke sub fields. First one. Second one. Third one. Next one. And the last one. एरियाज ऑफ सर्विस मतलब कहाँ कहाँ अकाउंटेंट्स काम आते हैं, बट टाइम पास है, फिलहाल अपने को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. खाली समरी रीड कर ले तो आपके लिए. अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग. सेकेंड, अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड इन टू टू, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रॉपर रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजिशन, डिसीशन मेकिंग एंड लास्ट वन इज सॉल्वेंसी. कुछ फंक्शंस आ चुके थे तुम लोग को, बुक कीपिंग नेक्स्ट चैप्टर में सिखा रहा हूँ मैं. सब फील्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड लास्ट वन इज व्हाट? एंड द लास्ट वन, हु आर द वेरियस यूजर्स? यूजर्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल? तुम लोग मुझे आंसर देना, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का सीईओ, कंपनी के ऑफिसर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट. चकास बोल दो. और जैसे ही चैप्टर खत्म हो तो यू हैव टू रिपीट इट अलॉन्ग विथ मी. आई एम द आई स्कोर एंड आई सैन. ये इतना हंस के बोलती हूँ ना लास्ट वाला, मतलब जस्ट सार्कास्टिक स्माइल. बोल, बुला दो, देना किसको, बोल दो. क्लियर? इसको बंद करूँ मैम? चलो अब हम लोग इसको बंद करते हैं और जाते हैं चैप्टर नंबर टू पे. And the chapter number 2 is now referred to as basic accounting terms. Start kare jaye. Kya kehte hai isko? Basic accounting terms. Sabse pehla definition is definition of bookkeeping. Saat cheeze ginna hai. Bookkeeping is science, arts, recording, business, transaction, regularly, systematic. कितनी चीज़ें? बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट, बुक कीपिंग इज़ अ साइंस, बुक कीपिंग इज़ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग इज़ रिकॉर्डिंग बिजनेस, बिजनेस बुक कीपिंग इज़ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. इट शुड बी डन रेगुलरली, इट शुड बी डन. ये डेफिनेशन खून में जाना चाहिए. कितनी चीज़ें? आर्ट, साइंस, रिकॉर्ड, बिजनेस. ये किधर भी डालो ना, ऐसे जरूरी नहीं पहला आठ डालो फिर रिकॉर्ड डालो फिर वो डालो, किधर भी डालो पर साथ डालना. जकास है वो. बचपन में मम्मी ने ऐसे चाय बनाना सिखाया था, तो मम्मी पहले पानी लेती थी, उसको गर्म करती थी, फिर चीनी डालती थी, फिर शक्कर डालती थी. मैं तो ऐसे एक ऑर्डर से याद रखा था. अब बड़ा बन गया तो मालूम पड़ता है पहले चीनी डालो पहले शक्कर डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? बट देर आर सम ऑर्डर्स दैट वी हैव टू फॉलो, बट दिस इज ओके. सात चीज़ होनी चाहिए. अब सबसे पहले बुक कीपिंग इज वॉट? साइंस. सो वॉट इज साइंस? साइंस इज नॉलेज. जहाँ से भी अपने को नॉलेज मिले ना वो साइंस है. लोगों के हिसाब से साइंस का मतलब सर अपना वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही साइंस है. नहीं, मैथ्स इज ऑल्सो साइंस, हिस्ट्री इज ऑल्सो साइंस, बुक कीपिंग इज ऑल्सो साइंस. Because if you learn the definition of science very well, this is the definition of science. What is science? A systematized, organized body of knowledge on a particular subject. मेरे आजकल सबका वेकेशन चल रहा है ना स्कूल में. My sister's son, he is learning painting. He is learning? Is painting science? Yes. Because it is also knowledge. बेटा एनी थिंग एज अ नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज साइंस. हम लोग ने अपना दिमाग ना स्कूल में बहुत बंद कर दिया, बिकॉज स्कूल में पढ़ाने का तरीका ही अलग हुआ करता था.
अपने को बोलेंगे स्किन बॉडी केयर, पत्थर फेंको, तो अपने को लगता था यही सब साइंस है। हमारे दिमाग में साइंस इज सेट एज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? दिस इज नोन एज व्हाट? साइंस। बट आई विल टेल यू दिस इज नोन एज नेचुरल साइंस। देयर इज अनदर साइंस विच इज नोन एज सोशल साइंस। कौन सा साइंस? सोशल साइंस। सोशल साइंस इज स्टडिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, ये टाइम क्यों सोते हैं, ये टाइम क्यों खाना खाते हैं। ये कौन सा साइंस हो गया? सोशल साइंस। परफेक्ट है। अभी हमारी जो मैडम बैठे हैं, बहुत बात करते हैं, आप सबको पता है, तो वो मैडम बोलते रात को 3 बजे सोते हैं वो मैडम, फिर सुबह 9 बजे उठते, नहीं 9 नहीं 12 बजे उठते, मैं 9 बजे बुलाता हूँ, दोपहर के 3 भी उठते हैं कभी कभी। तो ये स्टडी करें ना हम लोग, तो दिस स्टडी इज ऑल्सो नोन एज वॉट? साइंस। एंड इट्स नॉट अबाउट हर प्रॉब्लम। यू नो टुडे इफ यू लुक एट लॉट ऑफ पीपल, दे ऑल आर लाइक नाइट किंग्स। इफ आई जस्ट आस्क यू इन द क्लासरूम, रात को कितने लोग पढ़ते हैं, ऐसा पूरा क्लास ऊपर हो जाएगा। कोई बोलेगा सुबह उठ के कितने लोग पढ़ते हैं, कोई सुबह कौन उठेगा? नाउ देयर आर सम पीपल जो सुबह भी उठते हैं। हाँ भाई हाँ ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज साइंस। डू यू अग्री विद दैट वन? अच्छा, साइंस के बाद दूसरा वर्ड कौन सा है? सो वॉट इज आर्ट नाउ? सर अपने दिमाग में आर्ट बोलेंगे ना, सर क्राफ्ट, ड्रॉइंग, पेंटिंग, ये सब क्या है हमारे लिए? नो, आर्ट इज एनी थिंग दैट यू हैव स्पेशलाइज एंड यू डू इट सो वेल ना, दैट इज नोन एज वॉट? आर्ट। सैंडविच खाने गए हो? वेरी गुड। अब तुमने देखा वो सैंडविच वाला सैंडविच बना रहा था, उसको देखा? वेरी गुड। इसको ये कभी क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगी। हाँ 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 मैं हाँ बोल देता हूँ तेरे को ना। व्हेन यू लुक एट दिस थिंग्स ना, व्हेन इज दिस पर्सन हु इज मेकिंग अ सैंडविच, जस्ट इमेजिन इट सेल्फ, वो ककड़ी भी कभी काट रहा होगा ना, थर 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 थर। मेरे को तो ककड़ी काटने को मम्मी बोलती ना, ऐसा मेजरमेंट करके काटना पड़ता है, फिर भी नहीं होता बरोबर से। ही इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इन मेकिंग सैंडविचेस। इवन आई वुड टेल यू अ वर्कर डिगिंग द रोड ना, ही इज एन आर्टिस्ट। उसको बोला गया ये खोदना है, यहाँ से गटर बनाना है, यहाँ से वायर पास होना है, ही विल डिग एग्जैक्टली दैट मच। अपने को तो बोलेंगे ना, तुम देखो किधर किधर जाएगा तुम्हारा हाथ। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? इनफैक्ट आई विल टेल यू व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम परफॉर्मिंग राइट नाउ। व्हाट एम आई परफॉर्मिंग? आई एम टीचिंग, दिस इज माई आर्ट। मम्मी घर पर सुबह चाय बना रही है, वॉट इज यू डूइंग? शी इज एन आर्टिस्ट। क्या ऐसा चाय बनेगा तुमसे? कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे हम। आर वी क्लियर विद दैट वन? इज बुक कीपिंग एन आर्ट? यस, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। सो बुक कीपिंग इज साइंस, बुक कीपिंग इज ऑफ व्हाट? सो ये आर्ट किसका है? सैंडविच वाले का आर्ट क्या है? सर सैंडविच बनाना। मेरा आर्ट क्या है? टीचिंग। बुक कीपिंग करोगे तो कौन से आर्टिस्ट बनोगे? रिकॉर्ड। कौन से आर्टिस्ट बनोगे? तुम्हारे जैसा रिकॉर्ड्स कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा। अभी क्लियर विद एवरीवन? बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड क्या करना है भाई? बिजनेस रिकॉर्ड करना है। सुबह उठ के ब्रश किया, रिकॉर्ड कर लूं क्या? नहीं। अब नहा लिया, रिकॉर्ड कर लूं क्या? नहीं। बट बिजनेस कर रहे तो रिकॉर्ड। सो बुक कीपिंग ना इज ऑलवेज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओए आराम से, क्लास इधर ही है। अच्छा ठीक है। इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ व्हाट? बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में क्या रिकॉर्ड करना है? तो भाई बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस। सो पहले रिकॉर्डिंग का मतलब पता चल गया। बिजनेस क्या होता है? सर व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एनीथिंग डन इन ऑर्डर टू अर्न, इज नोन एज व्हाट? बिजनेस। एनीथिंग डन इन ऑर्डर टू अर्न। अब यहां पे आर्ग्यूमेंट जाता है, सर देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज आल्सो। एनजीओज का डेफिनेशन क्या है? दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, बट दैट डज नॉट मीन दे डोंट वांट टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि हमारा मेन इंटेंशन प्रॉफिट बनाना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है, बट प्रॉफिट तो चाहिए ही, बिकॉज प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो सर्वाइव कैसे करोगे? तो वो भी एक बिजनेस है।
अगर जो कुछ भी कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस. व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, मेरी 12th स्टैंडर्ड से मेरे को ऐसा था कि आई शुड स्टार्ट अर्निंग. डैड पॉकेट मनी बहुत कम देते थे, पैसा चाहिए होता है, घूमना है, कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग करना है. तो मैंने तभी एक बिजनेस चालू किया. आई यूज टू गो टू घाटकोपर, बाय शर्ट्स एंड सेल शर्ट्स. क्या है ये? बिजनेस. IPL क्या है? इट्स बिजनेस. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? रिलायंस कंपनी क्या कर रहा है? बिजनेस. सो बिजनेस, बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन. सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और थिंग्स फॉर कैश और. सो यू सी, बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज. क्या एक्सचेंज करोगे? या तो गुड्स एक्सचेंज करोगे, या तो सर्विसेज एक्सचेंज करोगे, या तो थिंग्स एक्सचेंज करोगे. इज दिस क्लियर? अच्छा, और जो भी करना है, इट हैज टू बी डन एंड इट हैज टू बी डन. That is system or method in the proper books of accounts is known as bookkeeping. Will you all remember bookkeeping? Yes. What is bookkeeping? Bookkeeping is an science, art, recording, business, transaction, regularly, systematically. Is known as bookkeeping. Definition number one. What is business? Anything done in order to earn profit. Is known as business. Doctor, doctory kar raha, is it business? Yes. Schools are business. Yes. Colleges are business. Yes. Hospitals are business. Yes. Virat Kohli playing cricket is business. Yes. You listening to music is business. No. Hotel selling food is business. Yes. You had a break and you had sandwiches. Is sandwich wala doing a business? Yes. When you had a sandwich, is it a business? No. No. Classic hai? So business is any activity carried on with a profit earn or motive to earn a business is known as business. Do you agree with that one? थोड़े examples लेके चलेंगे, ये examples बार बार repeat होंगे. First one, कौन दिख रहा है? Milkman is selling milk. Is he doing business? Yes. क्या दिखा तेरे को? कुछ भी दिख रहा है तेरे को यार, थोड़ा आगे आ जा. मेरे को भी वही लगा, क्या दिख रहा है उसको यार. मिल्कमैन सेलिंग, कोई डाउट है? नेक्स्ट वन, ये कौन दिख रहा है? ये तो बराबर बोलना भाई तू. ये मैं खुद हूं. हाँ, नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा फोटो निकालूंगा. क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं. एम आई डूइंग बिजनेस? आर वी क्लियर विद दैट वन? अमेजॉन क्या करता है? एग्जाम्पल्स याद रह गए? एनी थिंग डन इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. बिजनेस के अंदर क्या होता है? ट्रांजेक्शन इज एक्सचेंज. एन एक्सचेंज इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और थिंग्स ऑन कैश और क्रेडिट. डू यू अग्री विद दैट वन? कोई डाउट? अब पहले वाला बिजनेस कौन सा लिया था हम लोग ने? क्या बेच रहा है वो? मिल्क. तो उसका बिजनेस हुआ सेलिंग द मिल्क. और सामने जिसको मिल्क बेचने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? कस्टमर. फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कम्प्लीट देर शुड बी एटलीस्ट वन मस्ट रिसीव द बेनिफिट एंड वन मस्ट गिव द बेनिफिट. डू यू अग्री विद दैट वन? एंड अब यहाँ पे मिल्कमैन एंड द कस्टमर, हु इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, हु इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट? मिल्कमैन. और दोनों के लिए ना एक एक्सचेंज हुआ. भले दो पार्टी है कि एक को मिल रहा है और एक को दे रहा है, पर दोनों के लिए एक्सचेंज हुआ. अब मिल्कमैन बन जाते हैं हम लोग सब. कौन है हम लोग? बिकॉज वी आर बिजनेस. कस्टमर नहीं बनते, कौन बनते हैं? बिजनेस बन गए मिल्कमैन, सेलिंग मिल्क. तो क्या जा रहा है? क्या आ रहा है? डन. सिंपल एज दैट. बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन विल इन्वॉल्व समथिंग गोइंग, समथिंग कमिंग, और आई वुड से गिविंग बेनिफिट एंड रिसीविंग बेनिफिट. एकदम जकास. आगे बढ़ू. गिवर ऑफ बेनिफिट, रिसीवर ऑफ बेनिफिट. टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस: कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन बोलो फिर से एक बार. गुड्स और सर्विसेज और थिंग्स ऑन कैश और क्रेडिट. सो व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और थिंग्स ऑन कैश. What is credit transaction? Exchange of goods or services or things on credit. What is barter? Exchange of goods or services or things for goods or services or things. But normally, इस दुनिया में barter transactions नहीं.
नहीं होते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और थिंग्स ऑन कैश, दिस इज मिल्कमैन. हमने क्या दिया उसको? मिल्क. उसने अपने को क्या दिया? कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हमने उसको क्या दिया? उस गाय को पैसा देना है तेरे को, मतलब तू मिल्कमैन मिल्क भी देगी पैसा भी देगी. लो एक लीटर मिल्क, लो 60 रुपया. हम लोग मिल्कमैन है, सब लोग कौन है? क्या दिया, क्या मिला, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्या दिया, क्या मिला? नहीं मिला, बाद में मिलेगा. कब मिलेगा? एक महीने के बाद में मिलेगा, बिल भेजता हूं. कस्टमर विल पे एट द एंड ऑफ. और थर्ड ट्रांजैक्शन कौन सा है? क्या दिया, तो वो मेरे को बोल रहा है कस्टमर तुम रोज मेरे घर पे आके खाना खा जाना. अच्छा है, हम लोग क्या दे रहे हैं? वो हमको क्या दे रहे हैं? खाना. यहाँ पे पैसा भी नहीं आ रहा है, क्रेडिट भी नहीं आ रहा है. जकास, डू यू रिमेम्बर दिस? चलो साथ साथ में आगे बढ़ते जाओ. यू नीड टू गो ऑन वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक ऑन दैट. हाँ, बुक कीपिंग इन्वॉल्व हाउ मेनी थिंग्स? आर्ट्स, साइंस, रिकॉर्ड. What is business? Done in order to earn profit is known as business. What is transaction? Is known as a transaction. It can be cash transaction, credit transaction or a barter transaction. Now I'm looking at distinguish between cash transaction and credit transaction. An exchange of goods and services or things for cash. An exchange of goods or services or things on cash is paid immediately for value received or cash is immediately received for value given. Value is received but cash will be paid in future. Value is given but cash will be received in future. Relationship between the two parties end immediately. Transaction is complete. दूध दिया, पैसा ले लिया. बाद में मिलेगा तो हाई बाई बोलेंगे, पर अपने को उससे पैसा लेने का देने का कुछ बाकी. So relationship is ended. But in credit transaction, relationship is not ended, relationship is continued further because bhai dood de diya, paisa lena baki hai. Clear? Can I go ahead now? Chalo, next one, definition next. What is known as? Because what was transaction? Transaction was exchange of goods or services or things. So, ab hum log ja rahe ki goods kya hota hai, services kya hota hai aur things kya hota hai. Are we clear with that one? To goods kya hota hai? Goods are commodity in which trader deals in regularly. मतलब उसे खरीदना है, इसे बेचना है, इसे क्या कहते हैं हम? Goods. तो अभी milkman है, milkman के लिए goods क्या है? Milk. But milkman जब milk बेचने आता है तो खाली दूध नहीं लेके आएगा, दूध can में डाल के लेके आएगा, cycle में आएगा. तो is this cycle known as goods? No. Is this can known as goods? No. What is known as goods? Milk. Milkman के लिए goods क्या है? Fruit vendor के लिए goods क्या है? Vegetables. Fruits. Cloth merchant के लिए goods क्या है? Cloths. Furniture vendor के लिए goods क्या है? Furniture. अच्छा, मेरे लिए goods क्या है? Services, I'll tell you. Got that? एकदम बराबर जा रहे हैं. गुड्स का डेफिनेशन, हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. अ कमोडिटी और एन आर्टिकल विच इज प्रोड्यूस्ड और परचेज फॉर एनीथिंग दैट वी बाय और एनीथिंग दैट वी मेक बट फॉर सेलिंग, इसको क्या कहेंगे हम लोग? गुड्स. फर्स्ट एग्जाम्पल, मिल्कमैन के लिए गुड्स आर मिल्क, वेजिटेबल वेंडर के लिए गुड्स आर वेजिटेबल, फर्नीचर वाले के लिए, अपने सेवपुरी वाले के लिए सेवपुरी, पानीपुरी, रगड़ा पुरी, दे आर ऑल नोन एज व्हाट? गुड्स. क्लासिक है. एक और है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम्स के लिए. सो फॉर एग्जांपल वी हैव शॉप्स नोन एज क्रोमा एंड ऑल, तो उन लोग के लिए गुड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स. पक्का? कोई डाउट? नेक्स्ट डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से तुम लोग थोड़े बड़े होते जा रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहे हो. नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है? असेट्स आर प्रॉपर्टीज और थिंग्स
which we buy or manufacture not for sale, but they help you sale. They are not for sale, but they will help you to sale. Goods are for sale, assets are not for sale. So assets ka definition hai, they are properties owned by person or entity to conduct the business are known as what? और पहले दिन से मतलब अभी से ये रिविजन सेशन से पहले गुड्स और असेट्स को बाइफोकेट करना तो मजा आएगा. अगर गुड्स और असेट्स को बाइफोकेट नहीं कर पाओगे तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे. और अल्टीमेटली इसके बाद रिकॉर्ड आने वाला रिकॉर्ड क्या करना है? ट्रांजेक्शन. कौन से ट्रांजेक्शन? बिजनेस. डू यू अग्री विद दैट वन? तो फिर से एक बार एग्जाम्पल से चालू करते. कौन था पहला मिल्कमैन के लिए? गुड्स क्या था? असेट्स क्या है? मिल्क कैन. साइकिल यूज बाय मिल्कमैन आर असेट्स. इसके बाद आ रहा था फ्रूट वेंडर. फ्रूट वेंडर के लिए गुड्स क्या थे? नहीं, गुड्स क्या थे? वेजिटेबल्स या फ्रूट्स. उसके लिए असेट्स क्या होंगे? वेइंग मशीन, कार्ट, स्टॉल, क्रेट्स यूज बाय वेजिटेबल वेंडर आर नोन एज व्हाट? असेट्स. अच्छा, फिर एक फर्नीचर का शॉप था, उसके लिए गुड्स क्या थे? असेट्स क्या होंगे? शॉप. शॉप फॉर डिस्प्ले. उसके बाद अपना वो सेवपुरी वाला, भेलपुरी वाला, गुड्स क्या थे? भेलपुरी एंड गुड्स. असेट्स क्या थे? स्टॉल. साइकिल पे आए तो साइकिल, स्टोव गर्म करने के लिए. टू गुड. कोई डाउट्स? गुड्स वर्सेस असेट्स कौन है? गुड्स बोलो, असेट्स बोलो. नेक्स्ट वन, फ्रूट वेंडर. गुड्स बोलो, असेट्स बोलो. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, एकदम क्लियर रहेगा दिमाग में? डेफिनेशन क्लियर है गुड्स और असेट्स का? चलो, क्यों डेफिनेशन क्लियर रखना है? बिकॉज गुड्स से कनेक्टेड में हम चार वर्ड यूज करेंगे. और किसके कनेक्शन में? गुड्स के कनेक्शन में. असेट के कनेक्शन में? गुड्स आर थिंग्स विच वी आर गोइंग टू सेल. वी बाय, वी मैन्युफैक्चर एंड वी सेल. तो अगर आप गुड्स बाय कर रहे हो तो हमारे अकाउंट्स में परचेज बोलेंगे. अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो हमारे अकाउंट्स में हम उसे सेल्स बोलेंगे. पर अगर आप असेट बाय कर रहे हो तो परचेज नहीं बोलोगे. अगर आप असेट बेच रहे हो तो हम सेल्स नहीं बोलेंगे. समझा? बिफोर आई शो यू दोज फॉरवर्ड्स, एक एग्जाम्पल वापस लेते हैं. मिल्कमैन. गुड्स क्या थे? आज मिल्कमैन ने 50 लीटर मिल्क बेचा एंड ही अर्न 5000 रुपीस. फिर उसकी साइकिल पुरानी हो गई थी तो उसने साइकिल भी बेच दी 1000 रुपए में. टोटल आज उसने 6000 रुपए कमाए. 5000 किससे? मिल्क से. और 1000 रुपए किससे? हाउ मच इज सेल्स ऑफ मिल्कमैन? 5000 एंड नॉट 6000. सेल्स कितना है? क्योंकि जो मिल्क बेचने से पैसा कमा रहा है उसे सेल्स बोलेंगे. बट साइकिल बेचने से जो पैसा कमा है उसको हम सेल्स नहीं बोलेंगे. समझा? तो ये चार वर्ड कहां पे यूज हो सकते हैं? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न. कहां पे यूज हो सकते हैं? सिर्फ गुड्स पे यूज हो सकते हैं. सो परचेज आर गुड्स बॉट. परचेज रिटर्न का मतलब हमने गुड्स रिटर्न कर दिए. सेल्स का मतलब गुड्स हम लोग ने बेच दिए. एंड सेल्स रिटर्न का मतलब हमारे पास गुड्स वापस आ गए. बट ये चारों वर्ड किससे कनेक्टेड है? सिर्फ गुड्स से कनेक्टेड है और असेट से कनेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट डेफिनेशन आता है डेटर्स. पॉइंट नंबर वन, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए. डेबिटर नहीं है, डेप्टर नहीं है, डेटर्स है. ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं? पहला, सेकेंड, लास्ट. बार्टर हटा देते तो वी विल ऑलवेज स्पीक अबाउट कैश ट्रांजेक्शन है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन में गुड्स दिया, कैश आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करेंगे. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में गुड्स दिया बट पैसा आना, तो जो बंदे से पैसा आना बाकी है ना उसको क्या कहेंगे हम? डेटर से पैसा आना बाकी है. क्यों बाकी है? क्योंकि हमने उसे गुड्स दे दिया. अच्छा, क्या दे दिया? गुड्स दे दिया.
समझा नहीं समझा? अच्छा, अब मिल्कमैन की बात कर रहा हूँ। क्या बेचा मिल्कमैन ने आज? और क्या बेचा था? साइकिल। हाँ ना? अब मिल्क बेचा उसने एक्स को, साइकिल बेचा उसने वाई को, दोनों ने पैसे नहीं दिए अभी तक। तो एक्स इज डेटर, बट वाई कैन नॉट बी नोन एज डेटर। सर वाई से भी तो पैसा लेना है ना, बट अगर पैसा गुड्स के लिए लेना है ना तो ही डेटर बोलेंगे, और किसी रीजन के वजह से पैसा लेना है तो उसको डेटर के लिस्ट में इंक्लूड उसको लिखेंगे, वाई को लिखेंगे, ऐसा नहीं कि वाई को याद नहीं रखेंगे, लिखेंगे, बट डेटर्स के लिस्ट में नहीं। इसलिए मैंने कहा गुड्स और असेट्स को अलग करना बहुत जरूरी है। गुड्स के कनेक्शन में वी कैन हैव परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, वी कैन ऑल्सो हैव द वर्ड डेटर एंड वी कैन ऑल्सो हैव द वर्ड जिससे पैसा लेना है, जिसको पैसा देना है। फिर से एक एग्जाम्पल, मिल्कमैन। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस हैज टू रिसीव मनी। डेटर इज अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम वी ओव द मनी। डू यू अग्री विद दैट वन? कौन दिख रहा है ये डायग्राम में फिर से? वंडरफुल। बिजनेस क्या है? मिल्क बेचना बिजनेस है। गुड्स क्या है? असेट्स क्या है? वंडरफुल। ये मिल्कमैन मिल्क कहाँ से लेता होगा? तबेले से। सिंपल लैंग्वेज, काहे को कंफ्यूज करने का? और बेचता किसको है? कस्टमर्स को। अब ये एग्जैक्टली क्लियर है? जो तबेले से लेता है वहां पे पैसे दिए नहीं अभी तक, तो वो तबेले को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और कस्टमर्स को क्या बोलेंगे? बिकॉज कस्टमर से पैसा लेना है और वो तबेले को पैसा। अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल इज नोन एज, अ पर्सन टू होम मनी इज पेएबल इज नोन एज। बिजनेस इज सेलिंग मिल्क, गुड्स आर मिल्क, असेट्स इज साइकिल एंड कैन, सेल इज सेल ऑफ मिल्क, डेटर द कस्टमर टू होम मिल्क इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, टोटल सेल्स फॉर द मंथ विल बी पेड इन द चकास है। Creditor is a person to whom we have to pay the money. Why we have to pay the money? Because we have purchased goods on credit. Creditor is a person to whom we owe the money. अब यहाँ पे furniture वाले की बात करते हैं। Business क्या है? Furniture बेचना। Goods क्या है? Goods cushion. Assets क्या है? Shop. Sale क्या होगा? सेल ऑफ फर्नीचर। क्रेडिटर कौन होगा फर्नीचर वाले का? जिसे खरीदा क्या? वुड। अगर रेडीमेड फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर, या वुड खरीदा, या फेविकॉल खरीदा, या क्यूशन खरीदा, या खिल्ला खरीदा। ऑफ कोर्स यस, गॉट दैट? कैन आई गो अहेड? डेटा क्रेडिटर क्लियर है? असेट्स एक बार फिर से, assets are what? Properties or persons or entities they are used to conduct the land and building are assets. Cash is asset. Motor car ki jagah pe wapis cash likha hai par wo motor car hai, to that is also asset. Bank balance is also asset. Furniture is also asset and debtors are also assets. Acha, jaise assets hote hai waise liabilities hote hai. So assets are good, they are things that will help you in business. Liabilities are tensions. Creditors are liability, tension. जो भी पैसा पे करना है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? दैट इज लायबिलिटी। गॉट दैट? पक्का? पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल? क्रेडिटर। एंड द अमाउंट पेएबल? लायबिलिटी। जिस बंदे को पैसा पे करना है वो क्रेडिटर है, और जो पैसा पे करना है पैसा, वो लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी, liabilities are nothing but amount payable by the business. So they are credit cards, bills payable, bank loan, so and so. Do you agree with this one? Next word आ रहा है हमारा, so goods जो as on today बिका नहीं है, goods जो as on today बिका नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Stock. Are you exactly clear with that one? Goods के पांच नाम, purchase, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। परचेज का मतलब गुड्स खरीदा, परचेज रिटर्न का मतलब रिटर्न कर दिया, सेल्स का मतलब बेचा, सेल्स रिटर्न का मतलब रिटर्न आ गया, और जो अभी तक मेरे सामने पड़ा है वो स्टॉक। स्टॉक इज एन एसेट, स्टॉक इज एन, बिकॉज अब बेचेंगे उसको।
यू कैचिंग अप वेल? चकास बोलो, मिल्कमैन के लिए क्या होगा? जो मिल्क बिका नहीं होगा, फ्रूट वेंडर के लिए जो फ्रूट्स बिका नहीं होगा, फर्नीचर के लिए जो फ्रूट्स फर्नीचर बिका नहीं होगा, यस और नो? नेक्स्ट डेफिनेशन इज नोन एज व्हाट? कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस और बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. बुक कीपिंग इज साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन लगाएगा? बिजनेसमैन. अच्छा अभी तुम आराम से एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आंसर देना. अकाउंट्स है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये किसके लिए करोगे? बिजनेसमैन के लिए करोगे कि बिजनेस के लिए करोगे? किसने बोला? परफेक्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट, बट किसने बोला? देखो डेफिनेशन ही पढ़ लो. बुक कीपिंग इज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस. वी नेवर सेड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेसमैन. वी नेवर सेड बिजनेसमैन जो कर रहे हैं हम रिकॉर्ड करेंगे. नहीं, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस, है ना? तो बिजनेस को अलग करो और बिजनेसमैन को अलग करो. समझा? अब दो तीन दिन पहले घर का इंटरनेट बंद हो गया था. रिलायंस जियो का नेटवर्क है, 10 मिनट के लिए इंटरनेट गायब हो गया. किसको गाली देने का? रिलायंस को. ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी के घर के नीचे, ओए तेरा इंटरनेट बंद हो गया, ओए. कांट डू दैट बिकॉज ही इज डिफरेंट. बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग. एंड शी इज सो राइट कैचिंग अप बिकॉज इन्होंने थोड़ा आगे किया एंड दे आर रिवाइजिंग इट विद मी. वेरी वेल डन. देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग. और रिकॉर्डिंग किसके लिए कर रहे हो? अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. वापस एक बार कैपिटल का डेफिनेशन डालो. व्हाट इज कैपिटल? हु एम आई? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज मेरे लिए. मैं कौन हूं? मेरे लिए ये कैपिटल जो आ रहा है, इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? क्यों लायबिलिटी? बिकॉज अरे यार उससे पैसा ले रहा हूं, अब उसको पैसा देना पड़ेगा. यस और नो? पक्का? वेरी गुड. सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट. वी आर नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, वी आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेस एंड नॉट कैपिटल. इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन द बिजनेस. इट मे बी इन कैश और इन काइंड. इट्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन business. The amount is payable by the business to the and therefore it becomes a liability. ये बहुत common question, it keeps on coming all the time in examinations. Capital is an asset or a liability? Why it is a liability? Because business सोचता है ये पैसा हमें return करना है. Are we clear with that? चलो, capital हो गया. Capital से एक accounting equation बनता है and that accounting equation is known as capital is equal to तो बैलेंस शीट तो याद है ना भाई. असेट्स रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, ऊपर कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं. तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी. विल यू रिमेंबर दैट? टू गुड. कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी. असेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, तो कैपिटल कितना होगा? दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटी. जकास बोलो, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो. कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स. Identify the assets and liability and calculate the capital. Cash is asset or liability? Asset. Bank. Asset. Data. Asset. Stock. Asset. Building. Asset. Furniture. Asset. Loan to Vishal. Asset. Loan to Vishal. Asset. Loan to Vishal. Asset. Loan from Nisha. Liability. किसी को लोन दिया है asset, but किसी से लोन liability. क्रेडिटर्स liability. असेट्स का टोटल करेंगे, लायबिलिटी का टोटल करेंगे और असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो कैपिटल मिल जाएगा. कोई डाउट? नेक्स्ट वन. ड्राइंग्स का मतलब?
द अमाउंट विदड्रॉन बाय द बिजनेस मैन फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग्स आर असेट्स और लायबिलिटी. असेट्स कैपिटल इज, ड्रॉइंग्स आर, नेट प्रॉफिट इज लायबिलिटी. नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज नॉट एन असेट, प्रॉफिट इज अ. और यस सर, क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट कब से लायबिलिटी बन गया? किसको प्रॉफिट हुआ? किसको देना पड़ेगा? अरे यार देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? लॉस इज एंड अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्लासिक है. नेक्स्ट वन, drawings are opposite of capital, it's reduction in capital. Do you agree with this one? Amount withdrawn by the business from the businessman is known as drawings. Do you agree with this? Yes. Next definition kaun sa hai? Solvent. Solvent kab hoga? Jab assets zyada hoga ya liability zyada hoga? If assets are greater than liability, the business is said to be solvent. If liabilities are greater than assets, then it is known as insolvent. Income ka matlab ya revenue ka matlab amount earned by selling goods or by selling services. इसको बोलेंगे इनकम और रेवेन्यू. बिजनेस का सबसे बड़ा रेवेन्यू कौन सा होता है? सेल्स. मिल्कमैन के लिए रेवेन्यू मिल्क बेच के जो पैसा आता है वो. वेजिटेबल वेंडर के लिए रेवेन्यू. जगाज है? कोई डाउट है? अभी कंफ्यूज है वो, फ्रूट्स है कि वेजिटेबल है, तो समझ लेना प्यार से थोड़ा. डू यू अग्री विद दिस? नोट, इनकम इज जनरेटेड ओनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट फ्रॉम सेल ऑफ. फिर से मेरा एग्जाम्पल याद रखो, मिल्कमैन ने मिल्क बेचा और साइकिल बेचा, तो सेल्स कौन सा? इनकम कौन सा? साइकिल बेचने से इनकम नहीं होता. डू यू अग्री विद दैट? एक्सपेंसेस, भाई बिजनेस करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. परचेज, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग कन्वेंस, एडवर्टाइजिंग, एडमिन, सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस. डू यू अग्री विद दैट वन? Guys, now we are coming to very important word, and that word is known as profit. If incomes are more, then we have profit. But if expenses are more than income, loss. Jakaz bolo. Jakaz. Bookkeeping ka definition yaad hai? Haan. Khali haan haan bolne ka hai. Business yaad hai? Haan. Matlab apne aap ko puchne ka hai ki yaad hai ki nahi. Yaad hai. Acha, theek hai. Matlab warna haan. Kya transaction? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न. धीरे धीरे कम होते जा रहा है. हाँ, लास्ट में लॉस. असेट्स मतलब मेरा मुंह नहीं दुख रहा है. लायबिलिटी, डेटा, रिसीवेबल और पेएबल. Person from whom the money is receivable is known as debtor, and the amount receivable is known as asset. Person to whom the amount is payable is a, but that amount is liability. Stock yaad hai, capital, drawings, solvent, asset zyada hai ya in solvent mein asset zyada hai, liability zyada hai, insolvent, revenue yaad hai, expense yaad hai, profit. प्रॉफिट में इनकम ज्यादा या एक्सपेंस ज्यादा? अ पर्सन टू हुम द अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज नोन एज. अ पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल फॉर द सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और थिंग्स ऑन कैश और क्रेडिट इज नोन एज. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज नोन एज ना प्रॉफिट. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज नोन एज. प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाई द बिजनेस मैन आर नोन एज. Business is dash if assets are greater than liability. Furniture is dash for electronic shop. Dash a commodity in which trader deals regularly. Amount withdrawn by the proprietor for his personal use. Amount introduced by the businessman in the business. The relation between two parties continue in dash transaction. Goods lying unsold on a particular date are known as. Amount paid for services incurred is known as. Expenses. Excess of expense over income is known as. Any activity undertaken to make a profit is known as. Bookkeeping is an art but not a science. Transaction means recording business transaction. No.
ट्रांजेक्शन डज नॉट मीन रिकॉर्डिंग बिजनेस, कुछ भी यार. बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. द रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज कंटिन्यूड फर्दर इन कैश ट्रांजेक्शन. द रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज एंड इन कैश ट्रांजेक्शन. गुड्स आर प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाई द बिजनेस. असेट्स आर अमाउंट पेएबल बाई द बिजनेस. असेट्स आर नॉट अमाउंट पेएबल. असेट्स आर अमाउंट रिटर्न इनवर्ड. इज इट सेल्स रिटर्न? ट्रू. रिटर्न आउटवर्ड इज इट सेल्स रिटर्न? फॉल्स. गुड्स आर कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स रेगुलरली. पर्सन टू हूम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर. फॉल्स. पर्सन टू हूम गुड्स आर सोल्ड इज नोन एज डेटर. पर्सन फ्रॉम हूम अमाउंट इज रिसीवेबल इज नोन एज डेटर. ट्रू. क्रेडिटर इज अ पर्सन टू फ्रॉम हूम वी हैव परचेज गुड्स ऑन कैश. फॉल्स. बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिटर नहीं बनेगा. प्रॉफिट इज वेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस. लॉस इज वेन एक्सपेंस इज लेस देन इनकम. फॉल्स. बिजनेस इज सॉल्वेंट वेन असेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटी. आई एम द बेस्ट. आई विल स्कोर इन एग्जामिनेशन एंड आई विल सेंड स्वीट्स टू. चकास. जोर से बोलो जरा. कोई डाउट्स? आगे बढ़ा जाए. थकना नहीं है. आ जा, थकना नहीं है. एक और करेंगे फिर आगे जाएंगे. थोड़ा 5 मिनट का सांस लेने का टाइम दूंगा मैं तुम लोग को. सांस, ये वाली सांस. हाँ, मेरी सांस को नहीं भेजूंगा तेरे पास मैं. इसके जोक्स खतरनाक होते हैं. कैन वी कंटिन्यू गाइस? चलो, मैं इसके बाद बोला. चलो यहाँ पे ध्यान. कांट बी गेटिंग टायर्ड. क्या खेल रही है तू? हाँ, हो गया. बस सेटल हो जाओ, हो जाओ. कैन वी स्टार्ट? अभी अगर सारे वर्ड्स पता है तो रिकॉर्डिंग चालू करें. सो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिकॉर्ड करना है. आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड करने जाओगे. नाउ रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं. सो अकाउंटिंग प्रोसेस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स ऑफ क्रेडिट. सो अकाउंटिंग साइकिल चालू हो रहा है. फर्स्ट वन, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड दैट नीड्स टू बी. ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन. दे आर ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स. यूजिंग विच सिस्टम? गिवर ऑफ बेनिफिट, रिसीविंग बेनिफिट. रिसीविंग बेनिफिट डेबिट करने का है, गिविंग बेनिफिट क्रेडिट करने का. ऑल जर्नल एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू. ऑल लेजर बैलेंसेज आर देन टेकन टू. एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. देर आर 4 स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज नोन एज रिकॉर्डिंग. सेकेंड स्टेप इज नोन एज क्लासिफाइंग. थर्ड स्टेप इज नोन एज समराइजिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस. एंड फोर्थ स्टेप इज फाइनल अकाउंट्स. आइडेंटिफाई को इन्होंने स्टेप नंबर नहीं दिया है. सो कोई बोलेंगे अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप वन कहाँ से? तो रिकॉर्ड. बिकॉज आइडेंटिफाई में कुछ रिकॉर्ड करना नहीं पड़ता है. स्टेप नंबर टू, पोस्ट इन लेजर, क्लासिफाई. स्टेप नंबर थ्री, ट्रायल बैलेंस. स्टेप नंबर फोर, फाइनल अकाउंट्स. विल यू रिमेंबर दिस नाउ? कैन आई स्टार्ट? सबसे पहला बुक कौन सा होगा जहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे? अब रिकॉर्डिंग सीखनी है. एवरी ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड विल हैव एटलीस्ट हाउ मेनी इफेक्ट्स? टू इफेक्ट्स. वन, रिसीव बेनिफिट. वन, द सो कॉल्ड इफेक्ट्स विल बी गिवन द नेम नोन एज अकाउंट. एंड वी शैल नाउ से द अकाउंट विच रिसीव्स द बेनिफिट एंड अकाउंट विच. सी, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना. हाँ ना? हम बहुत टाइम में बात करता हूँ, मेरी वाइफ मेरी बैंड बजाती है इसमें. अरे कल उसको ये बोला था ना, पर किसको क्या बोला था, है ना? कल शाम को पूछते, संडे क्या खाएगा? मतलब आज ये खा ले. और ये मतलब क्या? सबको एक नाम देना पड़ेगा ना. सो गिविंग दिस नेम ना इज आइडेंटिफाइंग एंड गिविंग इट अ नेम नोन एज अकाउंट इज नोन एज व्हाट. सो फॉर एग्जांपल, हमने मिल्कमैन है, फिर से हम लोग क्या बेचा? लेट्स से कैश में बेचा. तो गया क्या और आया क्या? तो नाम दिया, मिल्क अकाउंट, कैश अकाउंट. आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि नहीं? यू कैन नॉट से ये गया वो आया. भाई हैव अ नेम. सो नाउ वी विल से वी आर गिविंग द बेनिफिट, वी आर रिसीविंग द बेनिफिट. रिसीविंग बेनिफिट को नाम देना है अकाउंट, गिविंग बेनिफिट को नाम देना है अकाउंट. डू यू अग्री विद दैट वन? आगे बढ़ू. एन अकाउंट विच रिसीव्स द बेनिफिट शैल बी. एन अकाउंट विच गिव्स द बेनिफिट शैल बी. द टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ
कोई डाउट है? पक्का है? अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए हमारे पास रूल्स है. दे आर नोन एज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड व्हेन वी लुक एट द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आई हैव गॉट टू रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. पहला रूल ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज ट्रेडिशनल रूल्स एंड सेकेंड रूल इज नोन एज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट आर ऑल असेट्स, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का भी नाम, एंड नॉमिनल अकाउंट का मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स. जकास है? अच्छा, मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव: असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल. विल यू रिमेंबर दिस? पक्का? पहले मॉडर्न रूल्स नहीं पढ़ेंगे, पहले कौन से रूल्स पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड. मिल्कमैन को दिमाग में डालते हैं. किसको? मिल्कमैन के बिजनेस क्या है? मिल्क खरीदना, मिल्क बेचना. खाली मिल्क बेचेगा कैसे? मिल्क खरीदना भी तो पड़ेगा ना. अभी क्लियर विद दैट वन? यस नो? मिल्क खरीदेगा किससे? तबेले से. मिल्क बेचेगा किसको? कस्टमर्स को. और मिल्क बेचने के लिए उसको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? साइकिल, कैन. चकस है ना? तो अभी उसी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे. और इनको क्लासिफाई करना है हमें तीन कैटेगरी में: रियल कौन सा, पर्सनल कौन सा, नॉमिनल कौन सा. सो सबसे पहला अकाउंट है रियल अकाउंट. दे आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, दे आर अकाउंट्स ऑफ असेट्स, दे आर अकाउंट ऑफ पजेशन बिलोंगिंग टू होम, बिजनेस. एग्जाम्पल है हमारा ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, फैक्ट्री, प्लांट्स एंड मशीनरी, ऑफिस. डू यू अग्री विद दैट वन? मिल्कमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना, रियल अकाउंट्स कौन से होंगे? साइकिल, मिल्क कैन, ये सारे रियल अकाउंट्स होंगे उसके. डू यू अग्री विद दिस वन? रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल, द रूल टेल्स मी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. साइकिल आ रहा है, साइकिल डेबिट. साइकिल जा रहा है, साइकिल क्रेडिट. मिल्क का कैन आ रहा है, मिल्क का कैन डेबिट. मिल्क का कैन जा रहा है, मिल्क का कैन क्रेडिट. सो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डू यू रिमेंबर दिस नाउ वेरी वेल? नेक्स्ट अकाउंट कौन सा आ रहा है? पर्सनल अकाउंट. मिल्कमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल अकाउंट कौन होंगे? कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट होंगे. तबेला पर्सनल अकाउंट होगा. डू यू अग्री विद दैट वन? सो पर्सनल अकाउंट इज एनीथिंग बाई नेम. दिस आर अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स. डू यू अग्री विद दैट वन? बैंक है, कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, लोकल बॉडी है, क्रेडिटर है, डेटर है, ये सब कौन है? पर्सनल. हम लोग सब कौन है? स्टडी सर्कल क्या है? पर्सनल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? देना बैंक क्या है? हाँ, बट मिल्कमैन के पास कैश होगा. कैश क्या है? रियल. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बनेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. क्लियर? तो अब रियल अकाउंट्स बन गए, पर्सनल अकाउंट्स बन गए. अब मिल्कमैन बिजनेस करेगा तो कहना इसे इनकम्स होंगे और एक्सपेंसेस होंगे. इनकम क्या होगा मिल्कमैन के लिए? सेल्स. सेल्स नाम दिया है उसको. सेल ऐसा नहीं मिल्क बेच के पैसा कमाने का. सेल्स. एक्सपेंस क्या होगा? परचेस. मिल्क खरीदना पड़ेगा ना. मिल्क खरीदेगा तो क्या बोलेंगे हम? मिल्क बेचेगा तो क्या बोलेंगे हम? साइकिल खरीदा तो एक्सपेंस है, असेट है. एक्सपेंस नहीं है, असेट खरीदा. हाँ, बट साइकिल रिपेयर करा रहे, एक्सपेंस है. मिल्कमैन ने थोड़े लोगों को सैलरी पे रखा होगा, एक्सपेंस है. मिल्कमैन चलो घर पे आके देके जाता है, वो ठीक है. उसका एक शॉप भी होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, टायर पंचर हो गया तो भी एक्सपेंस है. गॉट दिस? अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड परचेज. को डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? सेल्स को. परचेज रिटर्न, क्रेडिट. सेल्स रिटर्न, फिर से एक बार. परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. गॉट दिस?
सो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. फर्स्ट वन, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू रियल, पर्सनल एंड व्हाट? नॉमिनल. रियल, पर्सनल, नॉमिनल. रियल आर असेट्स, पर्सनल आर नेम्स, नॉमिनल इज एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, गेन्स. चालू करूँ. डिस्काउंट, ड्रॉइंग्स, सैलरी, नॉमिनल. सैलरी का किसका नाम है? ए सैलरी इधर आ. सैलरी इज नॉमिनल. बीजे मेडिकल कॉलेज, मशीनरी, कैश, लोन, नो, पर्सनल. लोन एक्सपेंस और इनकम नहीं होता है. लोन किसको दिया, किससे लिया, वो नाम है. मोटर कार, कैपिटल, पर्सनल, कैपिटल नाम है. रेंट, नॉमिनल. कूरियर, नॉमिनल. परचेज, नॉमिनल. फर्नीचर, बैंक. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका नाम है? इंटरेस्ट, नॉमिनल. पर्सनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नाम. मेरे को तो नहीं मालूम है इंटरेस्ट किसका नाम है. नेक्स्ट वन, बैंक. बैंक का नाम होता है कि नहीं होता है? पर्सनल. मिस्टर पपीला, आउटस्टैंडिंग वेजेस, पर्सनल. ये पकड़ो, वेजेस बट आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड वेजेस. ये कैसे हो गया सर? वेजेस खर्चा है, पे करना बाकी है, खर्चा हुआ नहीं है. किसको पे करना बाकी? नाम है. पर्सनल. सर पहले से पे कर दिया है, नाम है. रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट. डेटर, क्रेडिटर. देना बैंक. वेरी गुड, क्या क्लास लोग हो तुम लोग. आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सो ऑन सो ऑन. ठीक है, अब हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर पहले दो दो अकाउंट आइडेंटिफाई करो. कितने अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं? सोल गुड्स फॉर कैश, सेल्स एंड कैश. सोल गुड्स टू निशा ऑन क्रेडिट, निशा एंड सेल्स. परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट. डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक, कैश एंड बैंक. डिपॉजिट पेड टू निशा बाई चेक, निशा एंड बैंक. ओए इधर, परचेज फर्नीचर. तू ही है, तेरे पीछे कोई नहीं. और तुम मैडम के साथ बात कर रहे हो, मेरा आँख चार है, ये दो इधर, ये दो इधर, और इधर भी दो दिया है, तेरे को दिख नहीं रहा है. नेक्स्ट वन, आगे जाओ. परचेज फर्नीचर बाय कैश, सैलरी पेड टू अनिल. वेरी गुड, सैलरी और अनिल नहीं, हाँ, सैलरी एंड कैश. बिकॉज उसने क्या दिया? उसने काम दिया. वो काम को क्या बोले हम लोग? सैलरी. और हमने क्या दिया उसको? कैश. खत्म. रेंट पे टू सूरज, रेंट कैश. इंटरेस्ट रिसीव, कैश एंड इंटरेस्ट. पक्का? फिर से एक बार, अब कोरस आंसर नहीं, वन बाय वन विल गो. दो अकाउंट्स बोलना है और फिर सोचना है डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, चलिए. सोल गुड्स फॉर कैश, वेरी गुड. अब गुड्स बेचा है तो सेल्स विल बी डेबिट और क्रेडिट? ऑलवेज क्रेडिट. एंड कैश? बिकॉज इट कम्स इन. नेक्स्ट वन, सोल गुड्स टू निशा ऑन क्रेडिट, सेल्स अकाउंट, निशा. वंडरफुल. नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज, डन. नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक. वंडरफुल. नेक्स्ट वन, पेड टू निशा बाई चेक, निशा टू बैंक. नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश. वंडरफुल. नेक्स्ट वन, पेड सैलरी टू अनिल, रेंट पेड टू सूरज. गलत हो गया मैम, पेड रेंट टू सूरज. रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट. सूरज अकाउंट का इन्वॉल्व? मैंने 10 बार एग्जाम्पल क्लास में भी बोलते हुए कहा है, जब हम रिक्शा में ट्रैवल करते तो रिक्शा वाले का नाम नहीं पूछते.
अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? आज सुबह को तो खतरनाक हुआ, रिक्शा में आया, वो रिक्शा में शाहरुख खान, सलमान खान क्या क्या नहीं लिखा था, वो मैं हर टाइम अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ। एक घंटे के बाद सुनेगी तो मैं बोलूंगा मैं हेलीकॉप्टर से आया, तो तू मान लेगी क्या वो? मैं पढ़ाऊं? अच्छा लास्ट वन मैम, इंटरेस्ट रिसीव। पक्का? सोच ले, पक्का? अब यहाँ पे लोग बोलते हैं ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कैश आ रहा है, और इंटरेस्ट तो हमारा इनकम है, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं आपसे, रेंट पेड, रेंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट टू रेंट, क्यों? तो रेंट जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, रेंट डेबिट होगा। कितना सिली एरर करते हैं हम एग्जामिनेशन में, और बाद में आंसर बोलते भी हैं, बेटा रेंट डेबिट, सर रेंट आ रहा है। अरे रेंट नहीं आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। विल यू कैच दिस अप प्रॉपरली? कैन आई गो अहेड? चलो अब कौन से रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे जाएंगे? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे जाएंगे। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी? फर्स्ट वन, क्लासिक लोगो तुम लोग। Property is owned by the person or entity in the business are known as what? Assets. Do you agree with that one? Yes. Okay. अब ये modern rule समझने के लिए अपने को सारी ये पांच चीजों के basic character याद रखने हैं। क्या याद रखना है? Basic character मतलब हमारी आदत है, हमारा आदत जो personally है। अब वापस इसी मैडम पे जाना पड़ेगा एग्जाम्पल लेने के लिए। मैंने कहा ना मैडम कितने बजे सोते हैं? रात को 3 बजे सोते। तो उसका बेसिक कैरेक्टर है रात को 3 बजे सोना। समझा कि नहीं समझा? अच्छा अभी मैं बोलूं रात को मैडम 3 बजे सोए थे, हाँ तो उसका बेसिक कैरेक्टर है। पर अगर मैं बोलूं कि मैडम रात को 10 बजे सो गए, अरे बाप रे, तो कुछ तो उल्टा है। हाँ समझा कि नहीं समझा? ओके, कोई जल्दी सोता है रात को? सब लोग लेट ही सोते, सब सब सबके सब खतरनाक लोग। तू जल्दी सोती है? कितने बजे? 12 बजे जल्दी? 10 बजे? 10 बजे सोता हूँ मैं, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है? अभी 10 बजे सोता हूँ, मतलब सीरियसली दिस हैपेंस। सो 10 बजे सो गया, अभी किसी को बोलेगा राहुल सर 10 बजे, ठीक है, बिकॉज वो रोज 10 बजे। अभी किसी ने बाई चांस 11 बजे कॉल किया, जो बहुत लोग हैं मेरे को परेशान करने के लिए सब करते रहते हैं, और 11 बजे कॉल कर लिया और कॉल उठा लूँ ना, सर किधर हो? हाँ मतलब बिकॉज 11 बजे तक आप, सो दिस इज ऑपोजिट। अभी क्लियर विद दैट पॉइंट? अब इसके अंदर मैथ्स का रूल डालना है। किसका रूल डालना है? अरे बिकॉज अकाउंटिंग बनाया किसने भाई? नाम क्या था? ल्यूका। क्या बना रहा था? क्या बन गया? वो आज सुबह दोपहर को अभी इसके पहले वाले लेक्चर में बाई प्रोडक्ट कर रहे थे, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। समझा कि नहीं? ल्यूका क्या बनाने गया था, बन क्या गया? तो जिसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता उसके लिए अकाउंट्स है, बिकॉज मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, डेरिवेटिव्स, लॉग, टैन, टीटा, पता नहीं क्या। अकाउंट्स में सिर्फ दो, प्लस माइनस, प्लस एंड, प्लस प्लस करेंगे तो, माइनस माइनस करेंगे तो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, असेट्स। इसका बेसिक कैरेक्टर है कि ये डेबिट होता है। इसको वापस डेबिट करूंगा तो इंक्रीज, और क्रेडिट करूंगा तो क्लियर रूल्स, डेबिट टू क्रेडिट टू।
आगे के स्लाइड ही नहीं बदल रहा हूँ मैं, अब तुम लोग मुझे बताना असेट के बाद कौन दिख रहा है, वहाँ पे लाके रख देता हूँ। एक्सपेंस का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? फिर से डेबिट करूँ तो, क्रेडिट करूँ तो, डेबिट टू इंक्रीज। लायबिलिटी का बेसिक कैरेक्टर, फिर से क्रेडिट करूँ तो और डेबिट करूँ तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिक कैरेक्टर, डेबिट करूँ तो और क्रेडिट करूँ तो। लास्ट कैपिटल, क्रेडिट करूँ तो डेबिट करूँ तो। जकास बोल दो। अब तुम्हें क्लासिफाई करना है पांच कैटेगरी में, कौन से पांच कैटेगरी में क्लासिफाई करना है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। कैन आई स्टार्ट? डिस्काउंट, डिस्काउंट खाली डिस्काउंट बोला तो अलाउड है, बोलो। ड्रॉइंग्स, कैपिटल, सैलरी, बीजे मेडिकल कॉलेज को पैसा पे करने का है, लायबिलिटी, पैसा पे करने का है। मशीनरी, कैश, लोन टू, असेट, लोन फ्रॉम, मोटर कार, कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, रेंट, कुरियर, परचेस, फर्नीचर, बैंक, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, पेड। मिस्टर पपीला से पैसा लेने का है, असेट। आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटी। डेटर, क्रेडिटर, देना बैंक। क्या लोग हो यार, ठीक है। अब इस पे ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, डू यू अग्री विद दैट? फिर से एक बार, एवरी ट्रांजेक्शन शुड एटलीस्ट अफेक्ट ओनली टू और एटलीस्ट टू? कैन इट अफेक्ट मोर देन टू? कैन इट अफेक्ट मोर देन टू अकाउंट्स? कैन अ ट्रांजेक्शन अफेक्ट मोर देन टू अकाउंट्स? यस, बट द टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ट्रेडिशनल अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मॉडर्न रूल्स, असेट, डेबिट टू, क्रेडिट टू, एक्सपेंस, डेबिट टू, क्रेडिट टू, लायबिलिटी, डेबिट टू, क्रेडिट टू, इनकम, डेबिट टू, क्रेडिट टू, कैपिटल, डेबिट टू, क्रेडिट टू। आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर एन एग्जेम्पशन, आई विल सेंड स्वीट्स टू। क्लासिक है, टू गुड। क्या क्या हो गया? अकाउंटिंग हो गया, क्विक फायर रिविजन एंड गिव मी द आंसर्स। फर्स्ट वन, अकाउंटिंग इज अबाउट सेवन स्टेप्स। फर्स्ट वन, कम्युनिकेटिंग टू डैश एंड डैश यूजर्स। सीईओ ऑफ द कंपनी इज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कस्टमर, सप्लायर, वेरी गुड। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग, रॉन्ग, बुक कीपिंग डज नॉट इन्वॉल्व अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन, जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन। बोथ ऑफ देम हर टाइम रॉन्ग आंसर देते हो, ठीक है, फोकस चाहिए क्लास में। डू यू अग्री विद दैट वन? नेक्स्ट वन, बुक कीपिंग इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वंडरफुल। परचेज ऑफ गुड्स कैन बी नोन एज परचेज, परचेज ऑफ असेट कैन बी नोन एज परचेज, सेल्स आर, परफेक्ट है। डेफिनेशंस हो गए थे, डेफिनेशंस के बाद रियल पर्सनल नॉमिनल खेलते हैं अभी। कैन बी परचेज, सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक, कैश, डेटर्स, रेंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल,
ड्रॉइंग्स रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीपेड रेंट रूल्स ऑफ रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट मॉडर्न रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन सेज अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश वन. Now the first book that we are going to record the transaction is known as journal is known as book of prime entry. Why it is known as prime entry? Because pehla book hai. Transactions in journal are recorded in chronological order. Chronological order ka matlab hai date wise. 5th feb ka transaction pehle aayega, fir 6th feb ka aayega, fir 7th feb ka aayega, fir 8th feb ka aayega. Do you agree with this one? The word journal is derived from a French word journes, which means a day. That's okay. Therefore, it records daily transactions. Is okay. Since transactions are recorded first in journal, it is known as book of prime entry, or it is also known as book of the format of journal. 5 column. Pehla column, second column, third column. Date column mein date likhna hai. Date likhne ka tarika flexible hai. First May likh do ya 1/5 likh do. ईयर सबसे पहली लाइन पे लिख दो तो हर टाइम ईयर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. बट ऑलवेज इंडिया का फॉर्मेट ऑलवेज है कि डेट के बाद मंथ आता है. तो पहले डेट फिर मंथ. ठीक है, दुनिया में थोड़े उल्टे लोग हैं जो उल्टा भी लिखते हैं. यूएस के लोग पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं. हाँ ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, सो यू नीड टू रिमेंबर. अच्छा फिर ऑलवेज ओए फिर ऑलवेज पहले डेबिट लिखना है. जो भी डेबिट होता है वहाँ पे अकाउंट का नाम होना चाहिए, उसके बाद अकाउंट लिखना होना चाहिए और फिर डेबिट लिखा होना चाहिए. और फिर आता है क्रेडिट. क्रेडिट ऑलवेज दो स्पेस छोड़ने का, फिर टू लिखने का, फिर अकाउंट लिखने का. वहाँ पे क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में. जर्नल के नीचे एक्सप्लेनेशन आना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं नरेशन. नरेशन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीन. एक्चुअली पूरा वर्ड है बीन द एंट्री फॉर. पुराने जमाने में पूरा वर्ड लिखते थे हम लोग बीन द एंट्री फॉर. अब शॉर्ट फॉर्म में उसको बोल दिया बीन. ठीक है, एनी डाउट्स? पॉइंट्स टू रिमेंबर: अकाउंट आफ्टर, डेबिट फर्स्ट, अकाउंट क्रेडिटेड शुड स्टार्ट विद द वर्ड, नरेशन इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू द. कास्टिंग का मतलब है टोटलिंग एट द एंड ऑफ एवरी पेज. मतलब पूरा पेज हो जाता है वहां पे टोटल करना है, उसको टोटलिंग नहीं बोलते हैं उसको. बिकॉज अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स. समझा कि नहीं समझा? और ये क्यों लैंग्वेज सीखना जरूरी है? देखो बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस यार, है कि नहीं? व्हाट्स योर लैंग्वेज? हिंदी, मराठी, हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती, तुलू. अरे बाप रे, अब ये सब लोग अपना अपना लैंग्वेज में बोलेंगे. नहीं, मेरे को तो यही लैंग्वेज में सीखने का, अपने को नहीं करने का. अपने को एक लैंग्वेज सीखने का, दैट इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. एंड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को क्या कहते हैं? तो अपने खुद के वर्ड्स होंगे इसके अंदर. टोटलिंग नहीं बोलने का. मैथ्स वाले लोग टोटलिंग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? कास्टिंग. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मेरी सिस्टर है, 10 बार बोला है, 2 साल छोटी है, साइंस में थी, और मैं किधर था? वो साइंस वाले लोग को लगता है वो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं. ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती थी अपने को लाइफ में, तो मैं भी अब मस्त अपने ही वर्ड बोलता था. कभी वो कर क्या कर रही है? टोटलिंग. मैं तो कास्टिंग कर रहा हूँ. वो क्या होता है? तेरे को नहीं पता चलेगा. पर एक्चुअली कर क्या रहे थे? सेम. मैं आगे आगे वर्ड्स समझाता हूँ तुमको. फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्लियर है? पॉइंट्स टू रिमेंबर: स्टार्ट विद द नेम ऑफ जर्नल. के ऊपर कंपनी का नाम लिखना है. एंट्री का मतलब क्या है? रिकॉर्ड. एक पूरा एंट्री रिकॉर्ड हो गया तो क्या बन गया? एंट्री. अकाउंट आफ्टर एवरी नेम, डेबिट फर्स्ट, क्रेडिट नेम. अकाउंट क्रेडिटेड शुड स्टार्ट विद द वर्ड टू. नरेशन पता है. फोलियो का मतलब ऐसे करने का, मस्ती लोगों के साथ. वो साइंस वाले लोग बोलेंगे गो टू पेज नंबर 360, अपने को बोलेंगे गो टू फोलियो 360. बोलेगा ये क्या है, तू सोच. नेक्स्ट वन, कास्टिंग मीन्स जर्नलाइजिंग मीन्स. मतलब जर्नल के बुक में अगर हम एंट्री लिख रहे, कोई पूछे क्या कर रहा है, जर्नलाइजिंग. फोन करके लोगों को पूछते ना, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग. हाँ, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग. अपने को बोलने का
जर्नलाइजिंग. लैंग्वेज समझ रहा है? नेक्स्ट वन चालू करूँ? ट्राई करो कि एंट्रीज फटाफट बनाने लगो. ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नो कोरस आंसर्स, वन बाय वन. मैडम डिपॉजिटेड 2 लाख इनटू बैंक? नहीं, डिपॉजिट अकाउंट नहीं होता है कोई. बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, दिस आर दी एरर्स आई एम टॉकिंग. अकाउंट का नाम आना चाहिए ना. डिपॉजिट नाम का कोई अकाउंट? क्या डिपॉजिट किया? तो एक बैंक आया, एक कैश आया. सो एंट्री आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड थ्रू बैंक. वेरी गुड, फर्नीचर टू बैंक. परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख. परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट. परचेज गुड्स फ्रॉम निशा ऑन क्रेडिट. परचेज अकाउंट टू निशा अकाउंट. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू अपूर्व ऑन क्रेडिट. अपूर्व टू सेल्स. पेड रेंट टू लीना. फिर से, इतना सिली एरर नहीं होना चाहिए लाइफ में. रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट. पेड सैलरी टू संजय. ओए यार, तेरे को तो मिस्टेक भी तू रेक्टिफाई नहीं करती है. क्या पे किया? सैलरी. सैलरी इज एन एक्सपेंस. सैलरी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा. संजय से कोई लेना देना नहीं है. ओए तू इधर आ. हाँ तू ही, मेरा आँख एकदम बराबर बोलता है. चार चार आँख है. जल्दी आ. चलो सर नेक्स्ट. पेड वेजेस 10,000. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. पेड टेलीफोन चार्जेस 1,000. टेलीफोन चार्जेस टू कैश. वंडरफुल. पेड निशा 50,000 बाई चेक. ना, बैंक अकाउंट. कैश नहीं पे किया, बैंक से पे किया. नेक्स्ट वन मैम, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अपूर्व 80,000. बैंक अकाउंट टू अपूर्व अकाउंट. रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 500. बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500. सोल गुड्स टू ध्रुव 50,000 ऑन क्रेडिट. नो, क्रेडिट अकाउंट होता ही नहीं कोई. चलिए सर नेक्स्ट. ध्रुव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. देखो 6 रूल है. रट रट के बोला होगा, हर टाइम चिल्ला चिल्ला के बोला होगा. परचेज, परचेज रिटर्न. सेल्स, सेल्स रिटर्न. डेटर, क्रेडिटर. कैपिटल, ड्रॉइंग्स. और बाद में सोचने का कैश. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डू यू अग्री विद दैट? चलो, परचेज मोटर कार ऑफ 1 लाख एंड पेड थ्रू चेक. वेरी गुड. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं ये आंसर दे देता हूँ. सेटल ध्रुव अकाउंट बाई पेइंग 49,000 इन. ध्रुव का अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंट इन्वॉल्व है. अब डिस्काउंट सबसे बेस्ट फ्रेंड है कैश का. कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट. कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट. अभी ध्रुव का अकाउंट सेटल किया बाई पेइंग, तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, ध्रुव डेबिट. मतलब जर्नल एंट्री बन गया ध्रुव अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट. याद रहेगा डिस्काउंट ऑलवेज किसके साथ चलेगा? कैश डेबिट होगा तो, कैश क्रेडिट होगा तो. वेरी गुड. नेक्स्ट वन मैडम, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. चलिए मैडम, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एडिशनल कैपिटल बॉट इन बाय चेक. वंडरफुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. लास्ट ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आंसर देता हूँ. पेड व्हाट? एक वर्ड उड़ा दिया तुम लोग ने भाई. काय को बिजनेस का लाइफ नहीं होता है, बिजनेसमैन का लाइफ होता है. तो यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस पे हुआ बिजनेस का नहीं, बिजनेसमैन का है. तो दिस इज ड्रॉइंग्स, दिस इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता है. अगर फायर इंश्योरेंस पे किया है तो आएगा, तो एंट्री आएगा फायर इंश्योरेंस टू कैश. कोई डाउट है? क्लासिफाई द अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल एंड कौन सा रूल्स बोलो? ऑलवेज
बोला ही नहीं है तो भी कैश ही है, रेंट पेड बोल दिया ना तो रेंट पेड, नाम भी दिया रहेगा वो कंफ्यूज कर रहे तेरे को। मैं तो कितना प्यारा आदमी हूँ, यहाँ पे मैं सैलरी संजू पंजू यूज करता हूँ, एग्जामिनेशन वाले बोलेंगे रेंट पेड टू विराट कोहली, तो तू तो प्यार हो जाएगा तेरे को विराट कोहली से, ऐसा थोड़ी है ना। रेंट पेड टू विराट कोहली मैडम, देखा मैडम कितने अच्छे, उसको विराट कोहली से कोई लेना देना नहीं, भले वो कल हार गया। ठीक है चलो जाओ, पहले कौन सा अकाउंट बोलेंगे, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट वन मैडम बिल्डिंग प्रीमाइसेस सेल्स बैंक डिपॉजिट रेंट रेंट आउटस्टैंडिंग कैश परचेज क्लोजिंग स्टॉक वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स डेटर डेटर पर्सनल डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स। ओए आंसर मत दो कोई। नॉमिनल बैड डेट्स आर एक्सपेंसेस लॉसेस। बैड डेट्स किसका नाम है? पर्सनल बोलने के पहले अपने आप से पूछो, बैड डेट्स किसके नाम रखते हो क्या? आज मेरे बिल्डिंग में बच्चा पैदा हुआ है, नाम क्या रखा? बैड डेट्स। ऐसा कैसे होएगा यार, तुम लोग किसी को भी पर्सनल बना दो, जिसने इंटरेस्ट को पर्सनल बना दिया था। मेरा फ्रेंड है, नाम क्या? इंटरेस्ट। चलो मैम कैपिटल, कैपिटल रियल नेम, पर्सनल ड्राइंग्स पर्सनल इंटरेस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रिसीवेबल ना इंटरेस्ट रिसीवेबल पर्सनल रेंट रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल। चलो थोड़ी रॉन्ग जा रहे हैं मैडम। प्रीपेड सैलरी डेप्री बैड डेट्स रिकवर्ड एडवर्टाइजिंग नॉमिनल सैलरी नॉमिनल इनकम टैक्स पर्सनल। इनकम टैक्स एक्चुअली ड्रॉइंग्स हुआ, बिजनेस के इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। इनकम टैक्स किसके लगता है? आदमी को, बिजनेस को। तो ये ड्रॉइंग्स हो गया। क्रेडिटर नॉमिनल पर्सनल। चलिए सर सेम क्वेश्चन अगेन, बट दिस टाइम वी आर नॉट डीलिंग विथ ट्रेडिशनल रूल्स, वी आर डीलिंग विथ असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल। चालू करूँ? बिल्डिंग प्रीमाइसेस सेल्स कैपिटल बैंक डिपॉजिट्स रेंट रेंट आउटस्टैंडिंग ना लायबिलिटी कैश परचेज क्लोजिंग स्टॉक वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स डेटा डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स कैपिटल ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल ना ना बट शी इज नॉट थिंकिंग। व्हाट आई लाइक इज आई एम लुकिंग एट हर एंड सर ये खेलते हैं फिर ये खेलते हैं, नहीं सर ये भी खेल लेते हैं। थिंक थिंक इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट रिसीवेबल असेट। एनीथिंग दैट इज रिसीवेबल इज एन असेट, एनीथिंग दैट इज पेएबल इज अ लायबिलिटी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हाँ तुम ही हो। यस मैम नो कितना डिस्कशन किया उस टाइम, फिर से एक बार रेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीपेड रेंट असेट है ना। अब इनकम साइड से बात करते हैं, इनकम साइड रेंट रिसीव्ड रेंट रिसीवेबल रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रेंट रिसीव्ड इन पहले से पैसा लेके बैठ गए हो दैट्स अ लायबिलिटी। डू यू अग्री विद दैट वन? चलिए सर प्रीपेड सैलरी प्रीपेड सैलरी मैडम असेट डेप्रिशिएशन
डेप्रिशिएशन लायबिलिटी कब से बन गया? डेप्रिशिएशन एक्सपेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम, एडवर्टाइजिंग, सैलरी, इनकम टैक्स, कैपिटल, सैलरी अगेन, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज. एनी डाउट्स ऑन दैट? अब जर्नल एंट्रीज पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, बिकॉज यू आर ऑल आर डन थ्रू इट. डू यू अग्री विद दैट? ओके. इन ट्रेडिशनल अप्रोच डेटा बिकम्स अ रिसीवर. सारे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर टू, इन ट्रेडिशनल अप्रोच डेटा बिकम्स अ रिसीवर. द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. जर्नल प्रॉपर की बात नहीं है. कैपिटल अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस. परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन पीएनएल. फॉल्स. असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स. फॉल्स. नॉमिनल अकाउंट्स कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जाएंगे. सारे इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल. बैलेंस शीट में क्या जाएगा? ओनली रियल एंड पर्सनल. कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. ट्रू. एंड जर्नल प्रॉप, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. एंट्रीज इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. टोटलिंग इज नोन एज. पेज नंबर इज नोन एज. रिकॉर्ड इज नोन एज एंट्री. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन एंट्री इज नोन. रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट. वापिस गलत कर दिया. कितना से? कैश अकाउंट. लैंडलॉर्ड अकाउंट आएगा ही नहीं. ठीक है, चलो ये सब काफी है. ऑड वन अकाउंट, पांचवा नंबर, क्वेश्चन नंबर फाइव. विच अकाउंट इज ऑड वन आउट? ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल. इसमें से ऑड कौन है? इन्वेंट्री, बिकॉज बाकी दोनों असेट है और ये गुड्स है. सेवेंथ क्वेश्चन. इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, टू साइड्स ऑफ सेम अकाउंट्स, द सेम अकाउंट एट टू डिफरेंट साइड्स. टू साइड्स ऑफ सेम अकाउंट. निशा अकाउंट डेबिट, निशा अकाउंट डेबिट. सेम. सी कहां से आएगा मैडम? द सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट साइड्स. मतलब जर्नल एंट्री पास करो, निशा अकाउंट डेबिट टू निशा अकाउंट, ऐसा कौन सा एंट्री बना? इट्स टू अकाउंट्स, सिंपल. लास्ट क्वेश्चन. द सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? द सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट. राम कहां से आएगा? सेल्स आ ही नहीं सकता है. सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट. थोड़े दिमाग, कॉमन सेंस रखो. परचेज, परचेज रिटर्न. सेल्स, सेल्स रिटर्न. कैपिटल, ड्रॉइंग्स. आई एम द बेस्ट. आई स्कोर विद द एग्जामिनेशन. आई विल सेंड द स्वीट्स टू ऑल. सो आर वी क्लियर विद दैट वन? ये सेशन में यहीं तक रखते हैं. सो वी आर डन विद बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. वी आर डन विद डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग. वी आर डन विद अकाउंटिंग रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स. एंड वी आर ऑल्सो डन विद जर्नल. नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे? लेजर. लेजर के बाद सब्सिडरी बुक्स, के बाद कैश बुक, के बाद ट्रायल बैलेंस. चार चार के स्लॉट में काम करेंगे हम लोग. ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.